तो कैसे हैं आप सब। मैं हूं सुनील एंड आप देख रहे हैं हमारे चैनल क्लैशिंग विद सुनील। तो भाई आज की वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि भाई आज की वीडियो में मेरे पास है BGMI के कुछ लीक्स एंड साथ ही आप लोगों को कुछ चीज़ें बतानी है कि जो आप ना करो वरना आपका अकाउंट बैन हो सकता है परमानेंटली। तो भाई मेक श्योर ये वाली वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना वरना बहुत कुछ इंपॉर्टेंट मिस कर दोगे। तो चलिए भाई ये वाली वीडियो शुरू कर लेते हैं एक बार। सबसे पहले उन भाई लोगों को दिल से थैंक्स बोलना चाहूँगा जो लोग BGMI और मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। आप लोगों को बहुत ज़्यादा थैंक यू एंड आप लोग नहीं होते तो ना मैं यहाँ पे होता और ना PUBG मोबाइल BGMI में कन्वर्ट हो पाता। तो चलिए बिना आप टाइम वेस्ट करे अपन अपनी वीडियो पे शुरू कर देते हैं। तो भाई काफ़ी सारे लोडिंग स्क्रीन्स मेरे पास लीक होके हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट में देख सकते हो। ये कुछ लोडिंग स्क्रीन है जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो आई गेस ये वाला तो मैंने देखा है जब ये बीटा वर्जन इसका ओपन करते हैं तो इसके अंदर ये वाला लोडिंग स्क्रीन आता है। तो ये कुछ लोडिंग स्क्रीन है जो लीक होके हैं। एंड सेकंड थिंग मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, अभी आप लोगों को अपना डेटा ट्रांसफ़र नहीं करना है जब तक पूरा का पूरा BGMI प्ले स्टोर पर ना आ जाए। तो तब तक आप अपना डेटा ट्रांसफ़र मत करना वरना आपका डेटा लॉस हो सकता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसे रूल्स के बारे में जो BGMI ने लॉन्च किए अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो आप ना करो वरना आपका अकाउंट हो सकता है परमानेंटली बैन। तो चलिए अब मैं आप लोगों को उन लीक्स के बारे में बता देता हूँ। तो यार अगर आप लोग BGMI की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हो तो वहाँ पे न्यू रूल्स ऑफ कंडक्ट लॉन्च कर दिए गए हैं। तो भाई अब मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूँ ये रूल्स ऑफ कंडक्ट क्या होता है। तो बहुत सारे रूल्स बनाए गए हैं, अगर आप लोग उनको फॉलो नहीं करते हो तो आपका अकाउंट हो सकता है परमानेंटली बैन या फिर 90 डेज के लिए बैन। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आप एक बार वहाँ से पढ़ लेना। बट जो इंपॉर्टेंट मेजर रूल्स है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारी इन क्राफ्टर ने अपनी पॉलिसीज़ को रखा है कि इन अगर आप पॉलिसीज़ को फॉलो नहीं करते हो तो आपका अकाउंट बैन हो सकता है। तो एक एक करके मैं आप लोगों को इम्पॉर्टेंट पॉलिसीज़ बता देता हूँ, अगर आप लोग थोड़ा सा इन अगर पॉलिसीज़ को पढ़ते हो तो आप लोगों को पता चलेगा। काफ़ी सारे रूल्स तो पहले के हैं, यहाँ पे देख सकते हो जैसे पॉलिसीज़ ऑफ मिसकंडक्ट है यहाँ पे और बहुत सारी चीज़ें हैं। ये 8-10 पॉलिसीज़ है, मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो पॉलिसीज़ ऑफ मिसकंडक्ट में आता है डू नॉट यूज़ अनऑथोराइज प्रोग्राम्स और हार्डवेयर डिवाइसेस। मतलब आप लोग अगर फ़ोन में जॉयस्टिक लगा के खेलते हो तो आपका अकाउंट परमानेंटली बैन हो सकता है। और यहाँ पे देख सकते हो डू नॉट मॉडिफाई गेम क्लाइंट सर्वर और गेम डाटा। मतलब आप लोग इन द सेंस कोई VPN वगैरह यूज़ मत करना वरना आपका अकाउंट परमानेंटली बैन हो सकता है। थर्ड पॉइंट है डू नॉट एक्सप्लोइट वल्नरेबिलिटीज़। मतलब आप लोग कोई बग्स एंड ग्लिचेस यूज़ करते हो तो आपका अकाउंट परमानेंटली बैन हो सकता है। जो फोर्थ पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है डू नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनीवन वेदर इट इज़ रेशियल और सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन। आप लोगों को किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन गेम में नहीं करना है। और डू नॉट यूज़ इन अप्रोप्रिएट निकनेम्स। मतलब जो लोग काफ़ी सारे नाम गाली लिख के गाली वाले काफ़ी सारे नाम होते हैं और भी बहुत सारे अजीब अजीब से नाम होते हैं तो प्लीज़ वैसा कोई नाम मत रखना वरना आपका अकाउंट परमानेंटली बैन हो सकता है। आपका जो नेम होना चाहिए वो कोई गाली या फिर कोई भी इन अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं होना चाहिए, वो सिंपली एक नेम होना चाहिए। तो चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो आगे पॉलिसीज है डू नॉट टीम किल। मतलब आप लोगों को अपने टीममेट को गलती से भी नहीं मारना है वरना आपके ऊपर बैन लग सकता है। एंड जो 7th पॉइंट है वो है डू नॉट टीम अप। मतलब जो लोग टीम अप करते थे भाई वो लोग टीम अप करना बंद कर देना वरना आपका अकाउंट बैन हो सकता है। और यहाँ पे लिखा हुआ है डू नॉट स्टॉक अदर प्लेयर्स फ्रॉम मैच टू मैच। मतलब भाई बहुत सारे लॉन्डे क्या करते हैं, स्टॉक करते रहते हैं, तो प्लीज़ भाई स्टॉकिंग बंद कर देना वरना आपके अकाउंट पे टेम्पररी बैन लग सकता है। डू नॉट मैनिपुलेट मैच रिजल्ट। मतलब आप लोग अपने मैच के रिजल्ट्स के साथ कोई छेड़छाड़ मत कर लेना। और अगर आप लोग किसी का अकाउंट स्टील करने की कोशिश करते हो, हैक करने की कोशिश करते हो तो आपका अकाउंट परमानेंटली बैन हो सकता है। डू नॉट FK। जो लोग FK बैठे रहते हैं ताकि वो रिवॉर्ड्स वगैरह कलेक्ट कर पाए, ज़्यादा देर तक आप लोगों को FK नहीं रहना है वरना आपके अकाउंट पे टेम्पररी बैन पड़ सकता है। और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि डू नॉट ट्रेड और सेल अकाउंट। मतलब आप लोग अगर ट्रेड या फिर सेलिंग करते हो अपने BGMI अकाउंट की तो आपका अकाउंट परमानेंटली बैन हो सकता है। और यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ये वैसे कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स थे। एंड अगर आप लोग थोड़ा सा नीचे जाओगे, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप लोग जाके देख लेना कि इन इन चीज़ों पे कितने कितने टाइम का बैन पड़ता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डू नॉट प्ले एबनॉर्मली। मतलब आप लोग अपना जो गेम है वो अपने सिंपल ईजी गेम प्ले रखना, अगर आप लोगों के गेम प्ले की वजह से और कोई का गेम प्ले बिगड़ता है तो आपके अकाउंट पर बैन पड़ सकता है।
तो यहाँ पे बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत सारी छोटी छोटी पॉलिसीज हैं, तो यहाँ पे जाके आप पढ़ लेना। देखो 30 डेज़ का बैन है, 90 डेज़ का बैन है, परमानेंट बैन है, तो प्लीज़ एक बार इन्हें डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो आप जाके पढ़ लेना। तो भाई ये थी वीडियो, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताना चाहता था ये कुछ लीक्स और कुछ नए रूल्स के बारे में। आई होप कि भाई आप लोगों को ये वाला वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, एंड जो भी चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहा है चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप क्लैशिंग विद सुनील।